जो पार्टी क्लेम करती है कि हम घुस करके पाकिस्तान में घुस करके हम आतंकवादी को मार सकते हैं, वो पार्टी 370 हटने के बावजूद जो कश्मीर में हत्याएं हो रही हैं, हत्यारे को नहीं को पकड़ नहीं पा रहे ये लोग। आज की जो जन आक्रोश रैली थी, पूरे देश में हर व्यक्ति को बताना जरूरी है कि भाजपा से बच के रहो, ये आपकी लाशों पे अपना राजनीतिक जिंदगी जीती है। हमने हर बार ऐसी हर घटना पे, मैंने भी बोला है, केजरीवाल जी ने भी बोला है, संजय सिंह जी ने भी बोला है, हर बार बोला है। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और ये बहुत बड़ा रोग है इस देश के अंदर, और राजनीतिक लोग इसको जिंदा रखना चाहते हैं। मायावती जितने समय से हैं, क्या किया इन्होंने आज तक बताइए मुझे? इस चुनाव में बैठी रही है वो घर में, ऐसा कौन सा पाप कर दिया था कि ढंग से अपोज भी नहीं कर पाई? अब भीम आर्मी क्या कर पाई देखिए उत्तर प्रदेश में, आप बताएं। मायावती जी क्या कर पाए उत्तर प्रदेश में, आप बताएं। मुझे तो नहीं लगता कि भाई इन लोगों के कारण कुछ किसी का भला हो पाया आज तक। वो तो जो कराए वो तो भाजपा कराएगी, भाजपा ही साथी है उनकी, भाजपा के साथ खड़े हैं वो, भाजपा के साथ ही। उत्तर प्रदेश में भाजपा के जीत में दो पार्टियों का हाथ है, एक है BSP और एक है MIM। इन दोनों ने मिल के, तीन पार्टियों ने इकट्ठे चुनाव लड़ा था वहाँ। पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों के दुख के लिए यहाँ पर लगातार यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया है। तो अभी जो है हमारे साथ सोमनाथ भारती जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। तो सर, यहाँ पर क्यों जुटना पड़ा आपको और क्या कश्मीरी पंडितों की दुख की दास्तान है क्या, आखिर हम भी जानना चाहते हैं थोड़ा सा। दुख की दास्तान ये है कि भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए कश्मीरी पंडितों की हत्याएं होने दे रही है, क्योंकि जब जब इस देश में कोई हिंदू मरता है, हत्या होती है, इनका राजनीतिक लाभ सुनिश्चित हो जाता है। क्योंकि ये दिखा पाते हैं कि हम सबको एक होना पड़ेगा, हिंदू को एक होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इससे बड़ी शर्म कर देने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि 90 में भी अगर आप देखें इतिहास, 90 के अंदर भी केंद्र में भी इसकी सरकार थी, जम्मू कश्मीर में इनका पॉलिटिकल होल्ड था। आज 56 इंच का प्रधानमंत्री पूरे देश में है, केंद्र में इनकी बहुमत की सरकार है, जम्मू कश्मीर में इनका पॉलिटिकल होल्ड है। तब भी पलायन जारी था, आज भी पलायन जारी है, तब भी हत्याएं हो रही थी, आज भी हत्याएं हो रही, क्या बदला है? तो मैं तो एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि या तो ये कॉन्स्पिरेसी में इनका हिस्सा है कि इनको इनकी जाने जाएँ, या ये एनफ मेजर्स नहीं ले रहे हैं कि ये इनको इनकी हत्याएं रोकें, क्योंकि इन हत्याओं से इनका फ़ायदा है, राजनीतिक लाभ है। जो पार्टी क्लेम करती है कि हम पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी को मार सकते हैं, वो पार्टी 370 हटने के बावजूद जो कश्मीर में हत्याएं हो रही हैं, हत्यारे को नहीं को पकड़ नहीं पा रहे ये लोग। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका मुख साथ है, इसीलिए हम आज की जो जन आक्रोश रैली थी, पूरे देश में हर व्यक्ति को बताना जरूरी है कि भाजपा से बच के रहो, ये आपकी लाशों पे अपना राजनीतिक जिंदगी जीती है। जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कश्मीर में अभी कश्मीर पंडितों की ही आप लोग भी बात कर रहे हैं, क्या वहाँ मुस्लिम लोग जो हैं, वहाँ कम्युनिटी है, उनके साथ अत्याचार नहीं हो रहा है? कोई भी उनकी बात नहीं करना चाह रहा है? हम तो उनकी बात कर ही रहे हैं, हम तो आज भाजपा को एक्सपोज कर रहे हैं। भाजपा को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदू कंसोलिडेशन करने का प्रयत्न किया, इनकी पोल खोलनी बहुत जरूरी है। देखो, इस देश में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। एक MIM है जो दिखती है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमानों की वही है, क्योंकि MIM वही भाषा इस्तेमाल करती है जो भाजपा उसको कहती है, क्योंकि उससे स्प्लिट होता है देश में। अगर रिलीजियस लाइन पर स्प्लिट होगा तो भाजपा को फ़ायदा पहुँचेगा। हम जो हैं, हम साफ साफ बोलते हैं, हम बता रहे हैं कि भाजपा हिंदुओं के दुश्मन थी, चूँकि कहती हिंदुओं की हितैषी है, ये साफ साफ यही कहती है ना। तो ये आज का आक्रोश रैली उनको एक्सपोज करने का रैली है, ठीक है। सर, मैं अभी ये भी जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से आप लोग अभी यहाँ पर उतर आए हैं, इतना भीड़ जुट गई है, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, भारी प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिमों के साथ भी हो रहा है, और आप जो SC ST माइनॉरिटी वर्ग है,
दलितों के साथ इस तरीके से मतलब घटनाएं होती हैं, मगर उस उन चीज़ों के लिए आप कभी इतना बड़ा जो है इतना प्रोटेस्ट नहीं किया आपने कभी। हिंदू पंडितों के लिए आप यहाँ पर आ गए, कश्मीरी पंडितों के लिए, उनके लिए तो पूरा सब कुछ है सर। आपने कभी देखा नहीं फिर हम लोगों को? अगर आप हमारे जब रोहित बेमुला की हत्या हुई थी कौन खड़ा था? सिर्फ हम खड़े थे, कोई नहीं खड़ा हुआ देश में। जब भी SC ST कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, हम कम्युनिटी को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई एक भारतीय है और भारतीय की हत्या हुई है, उसके साथ खड़े रहते हैं हम। हम हम अगर पूरे इतिहास उठा के देखेंगे, रोहित बेमुला हो या कोई और भी साथी हो, हम हर वक्त खड़े रहे हैं। रोहित बेमुला के लिए तो वहाँ के भी गए थे, हैदराबाद भी गए थे। तो ये हमारे ऊपर नहीं चिपकता है, आप जो एलिगेशन लगाना चाहते हैं ये कहीं और चिपकाएं। क्योंकि अभी हमने एक सूत्र कार्यक्रम लगा रखा है, भाजपा को उसके गंदे इरादों से एक्सपोज करो। वो एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। क्यों एक्सपोज करना चाहते हैं? आपकी पार्टी आ जाए सत्ता में, वहाँ पंजाब में भी अभी होने वाला है। नहीं, पंजाब के अंदर तो हम आप देखें किस प्रकार से रिलीफ दे रहे हैं। पंजाब के अंदर हजारों एकड़ जमीन हमने नेताओं से वापस ले लिए। मूसेवाला को लेकर जो है अभी कोई भी सामने नहीं आया, तो भगवंत मान जी जो है केजरीवाल जी से मिले तब वहाँ पहुँचे हैं, उससे पहले कोई, चार दिन पहले भी कोई नहीं गया वहाँ पर। देखिए, मूसेवाला जी की हत्या जो हुई है बहुत निंदनीय भी है, बहुत दुखद भी है। मतलब अगर, और हमने उनकी सिक्योरिटी वापस नहीं ली थी पूरी, उनके पास अभी भी दो पुलिस के साथी थे, उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो लेके नहीं निकले। लेकिन हम ये भी बता दें आपको साथ साथ, इस वक्त देश में जो क्राइम का रेट है पर 100,000 पर 1 लाख, क्राइम का रेट है 14 मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में है 13, पंजाब में है 1.03। हम तो बहुत नीचे हैं क्राइम के रेट में। आज आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने से पंजाब की जेलों में खलबली मची हुई है, पंजाब के नेताओं में खलबली मची हुई है, पंजाब के नेता को लग रहा है कि आज नहीं तो कल तो हमारी बारी भी आने वाली है। तो ये सब निश्चिंत रहें, अकाली हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जिसने क्राइम किया है पंजाब में सबको ठिकाने लगाया जाएगा। आपने बोला कि रोहित बेमुला के साथ आप खड़े थे, लेकिन नजफगढ़ के जफरपुर कला में एक दलित सिंगर की हत्या कर दी जाती है, उसका रेप कर दिया जाता है, वहाँ आम आदमी पार्टी से कोई भी नहीं दिखा, DCW से स्वाति मालीवाल भी नहीं दिखी, जो हमेशा हितैषी रहती हैं ऐसी महिलाओं की, वो भी नहीं दिखी वहाँ पर। देखो, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे नाम दे दो, फिर मैं आपको पार्टी का क्या क्या स्टैंड रहा है मैं आपको ला के दूंगा, फिर अपन बात करेंगे उस पर। पक्का सर? पक्का। अभी तक इतना मामला गर्म हो चुका है, इतना नाम दे दो, मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी पार्टी ने किसी निर्दोष की हत्या पे कोई स्टैंड ना लिया हो। हमने सब पे स्टैंड लिया है, हम आपको दिखा सकते हैं, आप नाम दे दो मुझे, आप सबका स्टैंड। आर्मी का आरोप है, इस तरीके से बोला गया वहां पे। मैंने इंटरव्यू किया था वहां पे। अब भीम आर्मी क्या कर पाई देखिए उत्तर प्रदेश में, आप बताएं। मायावती जी क्या कर पाए उत्तर प्रदेश में, आप बताएं। मुझे तो नहीं लगता कि भाई इन लोगों के कारण कुछ किसी का भला हो पाया आज तक। भला होगा जब साथ लगे केजरीवाल जी के साथ सब कोई। केजरीवाल जी करेंगे भला। यही एक ही नाम पूरे देश में चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री के लिए सर्वे हो रहा था देश में कि भाई कौन आदमी टक्कर दे सकता है मोदी जी को। 43% लोगों ने कहा है केजरीवाल जी दे सकते हैं, 20% लोगों ने कहा है राहुल दे सकते हैं, 14% लोगों ने कहा है ममता जी दे सकती हैं। तो ये देश में माहौल बन रहा है, एक ईमानदार आदमी जिस प्रकार से हमने दिल्ली सौंपा, दिल्ली में भला हुआ, पंजाब सौंपा, पंजाब भला होना शुरू हो गया, देश सौंपेंगे इनके। केजरीवाल जी के अंदर जब कुछ निकलेगा अच्छा ही निकलेगा। लेकिन लोगों के आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि भाजपा की बी टीम कहलाती है आम आदमी पार्टी, इसको कैसे आप लोग हटाएंगे, इस टैग को कैसे? भाजपा की बी टीम कहलाती है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी के सतेंद्र जैन को जेल भेज देती है भाजपा। हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है ये। और वो भी भाजपा के वकील कह रहे हैं कोर्ट में कि जी एक्यूज नहीं है ये। तो ये देश में पहली बार हो रहा है कि भाजपा की बी टीम का नेता सतेंद्र जैन, जो कि एक्यूज नहीं है भाजपा के नज़र में, फिर भी जेल भेज रहे हैं। तो ये तो कुछ मतलब आप ही बता पाएंगे क्या है ये चीज़? सर,
मेरा एक आखिरी सवाल ये भी है कि क्या इसी तरीके से जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ आप खड़े हैं, क्या बहुजनों के साथ भी खड़े होंगे? राजस्थान में मेघवाल का इतना बड़ा कांड हुआ, घोड़ी बैठा था, वो मूछें रखी थी इसलिए घोड़ी नहीं बैठ सकता था, उसको गोली से मार दिया, वहाँ पर भी जो है हमने हर बार ऐसी हर घटना पर मैंने भी बोला है, केजरीवाल जी ने भी बोला है, संजय सिंह जी ने भी बोला है, हर बार बोला है। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और ये बहुत बड़ा रोग है इस देश के अंदर और राजनीतिक लोग इसको जिंदा रखना चाहते हैं। मायावती जितने समय से हैं क्या किया इन्होंने आज तक, बताइए मुझे, इस चुनाव में बैठी रही है वो घर में, ऐसा कौन सा पाप कर दिया था कि ढंग से अपोज भी नहीं कर पाई? तो घासीराम जी की आत्मा जहाँ कहीं भी होगी आज रोज लड़ रही है, उन्हें तो आगे ही नहीं आने दिया जाता, कौन नहीं आगे ना देता, आगे ही नहीं, अपने पाप, उनके अपने पाप ना। आज अगर बड़ी पार्टियां, अगर आज जो अगर आज वो निकल के नहीं आ पाते, मतलब एक ढंग से रैली भी नहीं करते, घर बैठे बैठे बात करते हैं, तो ये तो सब कुछ दिखता है सबको कि कब सुबह छोड़ दिया जाएगा। रैलियां करना हमारा मकसद नहीं है, पैसा उस पे लगाना हमारा मकसद नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ लोगों के हितों के लिए, मैं जा रहा हूँ SC ST की एक रैली है उसमें जा रहा हूँ, और वहाँ के हर व्यक्ति कह रहा है कि मायावती जी ने हमारे इंटरेस्ट को बेच दिया। एकदम आरोप लग रहे हैं। अब देखो ना आज क्या स्थिति है, उनका होम स्टेट है UP, क्या निकला वहाँ, क्या निकला वहाँ, क्या रहा उनका? तो ये तो वजह से उनका बंगला भी खाली करवा लिया ना, वो तो जो करा वो तो भाजपा कराएगी, भाजपा ही साथी है उनकी, भाजपा के साथ खड़े हैं वो, भाजपा के साथ ही। उत्तर प्रदेश में भाजपा के जीत में दो पार्टियों का हाथ है, एक है BSP और एक है MIM, इन दोनों ने मिल के तीन पार्टियों ने इकट्ठे चुनाव लड़ा था वहाँ। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ थे सोमनाथ भारती जी, जिस तरीके से उन्होंने अभी कश्मीरी पंडितों की बात की और SC ST की भी मैंने बात की, जिस तरीके से उनके साथ भी घटनाएं लगातार हो रही हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, क्या उस पे मुद्दा नहीं बनता है, क्या उन लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का मुद्दा इतना गहमा गहमी में है और इतना बड़ा जो है प्रोटेस्ट होने लग जाता है, लेकिन क्या SC ST माइनॉरिटी वर्ग जो है उसके लिए क्या बात नहीं होगी, क्या उसके लिए सड़कों पर लोग नहीं उतरेंगे, क्या आम आदमी खास पार्टी बन गई है? इसी तरीके से आप देखते रहिए, धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा, दिल्ली।